राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान शुरू। राजस्थान की 199 सीटों पर वोटिंग शुरू। 1862 उम्मीदवार चुनावी मैदान में, सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए सभी मतदाताओं से किया निवेदन। कहा, मतदाता अधिक से अधिक संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग कर वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाए। उत्तर प्रदेश सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत बच्चों को पुष्टाहार की जगह गर्म पका भोजन उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री ने 75 जिलों के लिए हॉट कुक्ड मील योजना का किया शुभारंभ। प्रवर्तन निदेशालय ने निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के आरोपी साइंस सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई की तेज। प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, हरदोई स्थित ठिकानों पर ईडी का छापा। उत्तरकाशी में सिल क्यारा सुरंग में श्रमिकों तक पहुंचने के लिए सिर्फ 8 मीटर रह गया है। मशीन में आई खराबी के कारण हाथ से खुदाई कर श्रमिकों को निकालने का प्रयास जारी। डीप फेक मामले में केंद्र सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए सभी सोशल मीडिया मंचों को आई नियमों का सख्ती से पालन करने के दिए निर्देश। आगरा में शुक्रवार को शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता को अंतिम विदाई देने उमड़ा जनसैलाब। नम आंखों से सभी ने अपने वीर सपूत को दी अंतिम विदाई। देश के परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि सर्दी में एसी बसों का किराया 10% कम करने का फैसला किया गया है। नई संशोधित दरें 16 दिसंबर से 28 फरवरी 2024 तक रहेंगी लागू। प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान ने पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया। मुकेश बहराइच जिले की प्रयागपुर सीट से कांग्रेस के निकट से चुने गए थे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 35 जनपदों को आंगनबाड़ी भवनों की सौगात दी। उन्होंने 403 करोड़ की लागत से 3401 आंगनबाड़ी केंद्रों का किया शिलान्यास। सेना के उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए पाकिस्तान अपने सेवानिवृत्त सैनिकों को आतंकी बनाकर भेज रहा है। टायरोसिनेमिया टाइप ए लीवर के एक असाध्य बीमारी, 1 लाख लोगों में सिर्फ एक को होने वाली इस असाध्य बीमारी का इलाज होता है करोड़ों में, जबकि भारत ने कई गुना सस्ती तैयार की दवा। वाराणसी में देव दीपावली महोत्सव में इस बार 70 देशों के हेड ऑफ मिशन खास मेहमान होंगे। खास मेहमानों के लिए नमो घाट पर विशेष व्यवस्था। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा उत्तर प्रदेश की ओर से आयोजित 2024 की हाई स्कूल व इंटर परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र निर्धारण। ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों की सूची निर्गत की गई है। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पूरी तरह से सोलर एनर्जी पर निर्भर होने वाला पहला ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनने के लिए तैयार। अलीगढ़ के जवाहर पार्क में मध्य प्रदेश में सागर निवासी हेमंत अहिरवार की टीम ने अपनी कला का प्रदर्शन कर सबको किया हैरान। 8775 सूखे पत्तों से 9 घंटे में 3500 वर्ग फीट में बनाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आकृति। और आजमगढ़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन। इस मौके पर एलईडी वैन के माध्यम से केंद्र सरकार विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की दी गई जानकारी। लखनऊ पुलिस ने तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक चालकों और स्टंट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही यातायात जागरूकता अभियान किया शुरू। लखनऊ में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के साल 2023 की दूसरी अर्धवार्षिक बैठक का हुआ आयोजन। बैठक में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति लखनऊ के छमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की गई। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश भर में रविवार से मौसम बदलेगा। रविवार और सोमवार को बदली और गरज चमक के साथ कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है।